हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो रिसेंटली ऐसे पता चला कि आप सब लोगों को हमारा पिछला वीडियो डोराइमोन फाउंड एट सी बहुत पसंद आया है और आप सब लोग पार्ट टू का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो लीजिए, मैं आज लेकर आई हूँ डोराइमोन फाउंड एट सी का पार्ट टू। इस वीडियो में भी आज हम देखेंगे डोराइमोन से जुड़ी सारी मिस्ट्रियस रियलिटी के बारे में। आई होप आप सब इस वीडियो को भी पिछली वीडियो की तरह ही सपोर्ट करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कुछ मिस्ट्रियस बातें। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि डोराइमोन एक समुद्र में गड़ा हुआ मिला था और उसे वहां से निकालकर एक लैबोरेटरी में भेजा गया था और तब चेक किया तो पता चला कि वो सच में एक मिस्ट्रियस रोबोट था जो कि 450 साल पहले बनाया गया था। उसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी वो आज के टेक्नोलॉजी से भी एडवांस थी। तो इस वीडियो में हम डोराइमोन और फुजिको फुजी के बारे में कुछ और राज जानने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, जब फुजिको फुजियो जिंदा थे तब उन्होंने बहुत सारे मिस्ट्रियस एपिसोड बनाए थे और काफ़ी मिस्ट्रियस मूवीज भी, जिसके बारे में बाकी सारे यूट्यूबर्स ने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। इन वीडियो में रोबोट के बारे में जिक्र ज़रूर किया गया है एंड मैं डोराइमोन की बात नहीं कर रही हूँ। डोराइमोन को हटाकर भी रोबोट को एक बड़ा रोल सब एपिसोड और मूवीज़ में ज़रूर रहा है। और डिटेल्स में जानने के लिए हम 1993 में आई एक डोराइमोन मूवी खेल खिलौना और भूल भुलैया मूवी के बारे में बात करते हैं। इस मूवी में दिखाया गया है कि रोबोट्स बहुत बुरा काम करने की सोच रहे हैं, दुनिया पर कब्जा करने की सोच रहे हैं। और इस मूवी में दिखाया गया है कि इस मूवी के सारे रोबोट्स डोराइमोन के पीछे पड़े होते हैं, पर इस मूवी के बीच में एक रहस्यमय चीज़ भी होती है। वो चीज़ यह है कि इस मूवी में डोराइमोन को पकड़ के उसे शॉक दिए जाते हैं और जब वो ख़राब हो जाता है तभी उसे समुद्र में फेंका दिया जाता है। ये सेम चीज़ हमें रियल लाइफ में भी देखने मिली। डोराइमोन समुद्र में गड़ा हुआ मिला और उसका मुंह ऐसे खुला था कि किसी ने शॉक दिया गया हो। इसका मतलब ये हुआ कि इस मूवी का विलन डॉक्टर नापो विसुतारो असली में एग्जिस्ट करता था। नहीं, मेरा मानना ऐसा बिल्कुल नहीं है, पर हाँ, इस चीज़ से ऐसा ज़रूर पता चलता है कि डोराइमोन को कोई ज़रूर डिस्ट्रॉय करना चाहता था। बट इस चीज़ को कंफर्म करने से पहले मैं और एक एविडेंस देना चाहती हूँ। वो ये है कि बहुत सालों पहले डोराइमोन के मिस्ट्रियस मूवी आई थी, उसका नाम था डोराइमोन रोबोट्स वार। इस मूवी को मिस्ट्रियस मूवी का अनऑर्थोराइज होना बनता है। अनऑर्थोराइज मतलब ऐसी मूवी जो कभी ऑफिशियली नहीं बनाई गई थी बट किसी और स्टूडियो और किसी और इंसान ने बना दिया और दुनिया के सामने उसे पेश कर दिया। इस मूवी के बारे में हमें कुकूज ने स्टूडियो बताता है कि क्योंकि यही वो स्टूडियो है जिसने ये मूवी बनाई थी। इस मूवी में डोराइमोन के बारे में कुछ अजीब चीज़ों के बारे में बताया गया था, जैसे कि डोराइमोन पर प्रोफेसर जलने लगा था और डोराइमोन के डिस्ट्रॉय करने के लिए एक रोबोट बनाता है। यह मूवी जब दुनिया के सामने पब्लिश की गई तभी उसे सभी जगह से हटाने की कोशिश की गई और आज ये मूवी लॉस्ट हो चुकी है। मतलब इस मूवी का नामो निशान नहीं है। इस मूवी को कुकूज नेस्ट स्टूडियो ने बनाया था और ये स्टूडियो बहुत ही बड़ा और प्रोफेशनल स्टूडियो है। ये लोग ऐसे ही किसी के राइट्स को अनदेखा करके मूवीज़ नहीं बना सकता। इसका मतलब कुछ तो ऐसा बड़ा रीज़न होगा, क्योंकि कुकूज नेस्ट जैसे बड़े स्टूडियो को भी डोराइमोन की ऐसी मिस्ट्रियस मूवी बनानी पड़ी। मुझे तो ऐसा लगता है कि कुकूज नेस्ट के फाउंडर को डोरेमोन के असलियत के बारे में पता चल गया होगा और वो इस दुनिया के सामने लाना चाहता होगा, पर वो इस कोशिश में नाकामयाब रहे। पर इन सब बातों को ध्यान में रखकर यही लगता है कि कोई तो था जो डोराइमोन के पीछे पड़ा था और वो उसे डिस्ट्रॉय करना चाहता था।
डोराईमोन मूवी, खेल खिलौना और भूल भुलैया मूवी में भी हमें एक चीज़ और देखने मिली। वो मूवी 1993 में रिलीज़ हुई, बट वो मूवी में सभी चीज़ें फ्यूचरिस्टिक थी, जैसे आज से भी 100 साल आगे की चीज़ें दिखाई गई थी, क्योंकि इस मूवी में दिखाया गया था कि हर चीज़ों के लिए रोबोट्स बनाए गए हैं और ये टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि इंसान को चलने तक ज़रूरत नहीं है। तो ये बात हम सबको पता है कि इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी के लिए अभी भी कई 100 सालों तक का वेट करना पड़ेगा। हमने इस वीडियो के पिछले पार्ट में पता लगाया था कि फुजिको फुजियो ने फ्यूचर देखा था, बट अब ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आज के टाइम में बहुत आगे फ्यूचर देखा था और उस फ्यूचर टेक्नोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये मूवी बनाई थी। तो जो लोग टारेना को सितारो है, तीन वो लोग भी फ्यूचरिस्टिक दुनिया में ही रहते हैं। तो हो सकता है कि जिस आदमी ने डोराईमोन को डिस्ट्रॉय किया था वो भी फ्यूचर से ही, और क्या पता डोराईमोन का क्रिएटर भी रोबोट ही हो। सच में यह सब चीज़ें इमेजिन करने में भी बहुत ज़्यादा डरावनी लगती है और काफ़ी फ्यूचरिस्टिक रियलिटी भी। तो आप सबका इस स्टोरी पर क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मुझे तो यह भी चीज़ें मिस्टीरियस और काफ़ी अजीब सी लगती है, पर कोई बात नहीं, क्योंकि फ्यूचर में ये सारी चीज़ें दोबारा से होंगी और फ्यूचर अपने आप को दोबारा से दोहराता रहेगा। और जब ये सारी चीज़ें फ्यूचर में होगी तब तो ये सारी बातें सामने आई ही जाएंगी। तब तक हम इस बात पर कुछ कह नहीं सकते। तब तक आप हमारे वीडियो को एंजॉय कीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब रखना और कमेंट करके बताना आपको ये सभी चीज़ें सुनकर कैसा लग रहा है, और क्या आप डोराईमोन के बारे में कुछ और मिस्टीरियस बातें जानना चाहते हैं। मैं ऐसे ही डोराईमोन के मिस्टीरियस वीडियो लाती रहूँगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं ऐसे ही एक और नई वीडियो के साथ।